हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। ये मैंने रात से ही वीडियो स्टार्ट किया था, यहाँ पे एक वीडियो मैंने एंड किया है। तो यहाँ दाल रोटी और चौका बना रही हूँ। दाल मेरी बन चुकी है, इसी वाले में मैं आलू उबलने के लिए रख दूँगी। चार आलू उबालूँ क्योंकि ना मैं रोटी से मुझे दाल अच्छी नहीं लगती है, और चावल इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि दो दिन से चावल ही खा रहे थे, तो इसलिए फिर नहीं बनाया था। तो ये ऑफिस सुबह मैंने ग्वार की फली बना ली थी, तो ग्वार की फली मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने बोला काम ही इतना सारा है, रेसिपी क्या दिखा पाऊँ, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है, जा नहीं पाता, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो देखिए मेरे आलू उबल गए हैं, आटा गूंद लिया है, और मतलब लगभग लगभग सारा मेरा खाने की तैयारी हो गई। और कल मेरा बहुत बहुत 2-2.5 बजे मैंने रोटी खाई है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 2-2 बजे बनी है, तो 3-4 बजे खाई मैंने। उसके बाद आप समझ सकते कितना बुरा हाल होता है, कितना काम चक्कर आने लग गए थे मुझे बुरी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? और आपका अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। ये सर में लग जाता है और भूख लग रही है, काम आम बाद में, पूजा पाठ थोड़ी थोड़ी हो गई है। मैंने बोला पहले कुछ बना लूँ, भूख लग रही थी। तो रोटी मेरी रात की 5-6 बजी है, जो कि इधर से हवा आती है, बंद करती थोड़ी सी। अब ठीक है, रोटियाँ पता नहीं गले में क्या अजीब सा लगता है, रोटी छोंकूंगी घी की लगी, इतनी बिगाड़ तो सकती नहीं हूँ, फिर बाकी बाद में काम करूँगी। और आपको बताइए, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती। तो ये तेल डाल दिया, आलू प्याज लहसुन, एक आलू और एक टमाटर। कई बार मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है, रेसिपी ऐसे भी कुछ शेयर नहीं करी, बस वीडियो स्टार्ट कर लिया मैंने। जब तक आप लोगों से बातें करती जाती हूँ और आप लोग बताइए। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब गर्मी नहीं लग रही है ना, अच्छा खासा लग रहा है। और ये अभी तक आए नहीं है गाड़ी लेके, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। तो सामान तो थोड़ा बहुत सेट हो गया, अब आती है घर को सजाने की बारी। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ घर सजाने के लिए। अब थोड़ा बहुत घर सारे डब्बे पे सारा साफ कर लिया, आपको बताइए। अब सजाऊंगी थोड़ा बहुत घर, पर्दे अर्दे टाइल आयल ये सब साफ करूँगी। पर पहले भूख के मारे ना मुझे तो चक्कर आने लग जाते हैं, तो पहले वो। और ये देखो डब्बे वब्बे मैंने सारे धो के, डब्बे वगैरह सारे धो धो के रखे हैं मैंने। जीरा हो जाए, चलिए मैं छोंक लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ी बहन वगैरह से बातें कर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिल पाता है, फिर थोड़ा सा इधर उधर कहीं कैसे ऐसे। तो चलिए, तो यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है और रोटी हम लोग खा रहे हैं। तकिए किए पड़े हैं क्योंकि मुझे अभी तकिए की मैंने खोली उतार दी है, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है, कितनी अच्छी बता नहीं सकती, ग्लास में एसी की जैसे एसी की जैसे आती। तो वंशी का खाने लग गई है, मैं पानी कहीं कुछ लाने में लगी हुई हूँ। झाड़ू पोंछा मेरा हो गया, और सोना को देखिए कहीं गिलास कहीं कुछ लेने में लगी हुई है। इनका तो वही ख़त्म नहीं होता, तो मैंने इनका सोचा है इनको ट्यूशन वगैरह भेजूंगी, तभी ये शांत से रहेंगी। और अभी तक हमारी वंशिका का सिलेबस वगैरह नहीं आ पाया, देखो ये उसके इनके पापा को बोला है कब आ जाए, फिर वंशिका के ऑनलाइन अभी क्लास भी नहीं लग पा रही है। अभी ये है ना, काम सिमटा नहीं है, पूरा घर फैला हुआ है, कहाँ बिठाना कहाँ नहीं, तो फिर इतनी दिक्कत हो जाती है। हाँ अब सिमट गया है, अब हल्की पूरी जो सफाई है वो तो आपको पता है महीने भर में इतना टाइम तो लग ही जाता है। और रोटियाँ घी की लगी हुई थी, तो फिर स्वाद बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं मुझे तो आपको लोग पता है मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। मैंने बोला जब तक रोटी बनेगी तब तक ये सब कर लेंगे, पेट में थोड़ी सी जान भी पड़ जाएगी और हो भी जाए। और ना मतलब हम लोग जयपुर में छोटे पैसे रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बनती रहती, छोटे पैसे जो चीज़ खाओ ना उस चीज़ की आदत भी पड़ जाती है। और फिर अभी फ्रिज में एक टाइम बंद कर देती हूँ, रात को 4-5 बजे ही गाड़ी लेके जाते हैं ना, तो मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ, 9-10 बजे चलाती हूँ, तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। और रोटी आराम से हवा में खाओ ना तो मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे तो वैसे ही खुला खुला है पूरा, बहुत अच्छी हवा लगती है। पंखा कूलर हम पूरे दिन नहीं चलाते, सिर्फ हमें रात को चलाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे पूरा हमारा दिन कट जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, टाइल वगैरह सारा धो रही हूँ, डिब्बे हटा हटा के जहाँ जहाँ से साफ़ होता जाएगा वहाँ वहाँ से मैं रखती जाऊँगी, क्योंकि बहुत चिप 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 हो रहा था,
मुझसे तो ये होता नहीं है, उस कमरे में भी लगी रहती थी। ये है अभी इतना हो रहा है, फिर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ मारा करूँगी ना तो इतना नहीं हुआ करे, क्योंकि फिर तो साफ ही रहा करेगा। और इस पे ना यहाँ तेल जैसा चिपक रहा था ना, तो मैंने उसको चाकू से छुड़ाया और ये ऊपर देखना ना, ये मेरे बालों में चिपक गया। फिर मुझे शैम्पू करना पड़ा, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। जो लोग रह रहे थे पता नहीं कैसे क्या था, समझ में नहीं आता है, पता नहीं किसी का कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी खिड़की, इसको भी मैंने सारे शीशे इसे खूब मतलब जितना हो सका अपनी तरफ से साफ़ करने की कोशिश की है। फिर एक दिन में कितना साफ़ हो पाएगा, पर हाँ कुछ तो दिखेगा, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कुछ तो मेहनत रंग लाएगी। अब मेरा यही है कि कुछ करूँ ना तो थोड़ा सा तो दिखना चाहिए। पर नहीं, टाइल एकदम से चमकने लगी थी, मेरे हस्बैंड आए थे बोल रहे थे हाँ चमक गया, और देखो कैमरे में भी दिख रहा है स्लिप कितनी बढ़िया से साफ़ हो गई है। सारे में मैंने साबुन लगा के और बर्तन धोने वाले जूने से रगड़ दिया है ना, तो चमक भी आ गई थी, ऐसा नहीं है। और देखो नीचे कितना साइन मार रहा है ना पत्थर तो। और यहाँ पे भी थोड़ा सा कैमरे वैमरे की दिक्कत है, थोड़ा आज की है, कल से नहीं होगी, कल से मैं ये चीज़ भी नहीं रखूँगी। तो ये मेरा सारा किचन का काम हो जाए ना, तो आपको पता है कमरे में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि कमरा तो वैसे ही कमरे में टाइल आइल इतनी नहीं है, किचन में ज़्यादा होती है। किचन में होनी भी चाहिए, जो हम सब्ज़ी वगैरह छोंकते उसका तेल लग जाए तो टाइल साफ़ हो सकती है, दीवार सफ़ेदी वगैरह नहीं हो सकती है। और बर्तन टांगने की अलवारी हम लगा नहीं सकते क्योंकि उस कीले नहीं है अभी वहाँ पर, तो बर्तन की अलवारी मैंने टांड पर रख दूँगी, क्योंकि पर बर्तनों की वजह से मुझे इस क्रेड में बर्तन रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि ना वो टंग नहीं पा रही है तो थोड़ी सी जगह घिर रही है। मैंने देखो मशीन का इंतज़ाम किया है तो जल्दी जल्दी से आ जाएगी ना, फिर मैं बर्तन की अलवारी भी टांग दूँगी तो मेरा पूरा किचन खाली खाली रहेगा, तो मुझे साफ़ करने में भी इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अभी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, फिर नहीं होगी। तो चलिए मेरा ये सारा हो गया है, किचन क्लीनिंग हो गया, और कैमरा हिल रहा है तो उसके लिए बहुत माफ़ कर देना। ये सोना है ना, उसको पकड़ के बैठ जाती है और मुझे पता नहीं चलता किस टाइम ये कैमरे को पकड़ के हिलाती रहती हैं, तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर देना, आगे से मैं और भी ज़्यादा ध्यान रखूँगी। तो देखिए मेरा किचन हो गया, देखो टाइल कितनी चमकने लग गई है ना, और कपड़े मैंने धो दिए, एक दो कपड़े थे जो भी थे जो मैंने धो के समेट के और हटा दिए। और यहाँ पे देखिए मैंने ये फोल्डिंग एक्स्ट्रा थी ना, मेरे पास दो फोल्डिंग है ना, कोई आ जाए तो उसके लिए, तो देखो मैंने फोल्डिंग को ऊपर रख दूँगी और टाँड के ऊपर, और देखो बर्तन की अलवारी मैंने रख दी, आप लोगों को आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पर मेरा ये हो गया है, और अब मैं जाके अपने कमरे में खाट वगैरह, ये इसका तो बेड सही हो गया है, अब इस कमरे में जाके फटाफट से खाट बिछा दूँगी। झाड़ू पोछा तो मैंने बताया ही, अभी अभी मेरा हो गया था, इसमें खाट बिछा के गद्दा बिछा के और टीवी, इस कमरे में बच्चे देखते रहेंगे, इस कमरे में बहुत ठंडा रहता है ये वाला कमरा। तो इस पे देखिए मैंने तकिए की खोली वगैरह धो दी थी, तो ये दूसरी वाली मैंने चढ़ा दी है, और फटाफट से इस पे मैं सब पे मैं पर्दे लगा दूँगी जहाँ तक कोशिश हो पाएगी। फ़िलहाल तो मैंने ये तकिए खोली उतार के ये दूसरी वाले चढ़ा दी, वो वाले मैंने धो दिए हैं क्योंकि धूल मिट्टी वैसे तो गंदे नहीं थे, ये वाले मैंने उस वाले रूम में रखवा दी, किचन वाले रूम में, और ये इधर। और उस पे जो आप काउंटर पे कपड़े देख रहे हो वो गंदे कपड़े नहीं हैं, धुले हुए हैं, मैं उतार के लाई थी ना तो यहीं पे रख दिए, तो मैंने बोला अभी पहले खाट को सेट कर देना, खाट फैली हुई दिखती है ना तो फिर गंदा लगता है घर, तो मैंने पहले सोचा पहले यही करना ठीक रहेगा, उसके बाद कुछ करेंगे। तो चलिए मेरा ये सब हो गया, और इन्होंने सोना ने तकिए में से रुई निकाल दी, कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, और देखो मुझसे पहले उनको पड़ रही है वो लगाने की। तो देखिए मैंने खाट मेरी बिछी गई है, और वो दो तीन कपड़े हैं वो भी मैं तय करके रख दूँगी, और देखिए मेरा घर अच्छा लग रहा है ना, और थोड़ा थोड़ा सफाई है, वो भी जल्दी मैं सफाई करने लगूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं लगेगा मेकओवर वगैरह भी सारा, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों से पूछ पूछ के जब भी करूँ, और आप लोग सजेस्ट करिएगा कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी जाए, कैसे रखी जाए। तो कमरे वमरे सारे साफ़ हो गए, आई है बारी पर्दे अर्दे लगाने की, पर्दे कल मेरा घर पूरा परफेक्ट मिलेगा, कल का वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा घर परफेक्ट कर दूँगी, अच्छे से तैयार कर दूँगी, फिर मेरा रेसिपी रेगुलर सब वो आ जाएगा। तो यहाँ पे पाइप वगैरह नहीं है आपको पता, और आप लोग बोल रहे हो मतलब ग्रिल के पास पौधे वगैरह लगाओ, तो अभी तो इतना मतलब बजट नहीं है जो मैं पौधे वगैरह लगा पाऊँ, पर जल्दी मैं कोशिश करूँगी, और जैसा भी होगा। मैंने देखो यहाँ पे चोटी बना ली है, दो तीन दिन से मैं चोटी वगैरह कुछ नहीं बना पा रही थी ना, आई हूँ जब से,
तो मैंने चोटी बना ली और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी, पहले तो मुझे अपने घर में तुलसाजी लगानी है, उसके बाद में मैं बाकी का काम करूँगी। अभी तो प्लांट वगैरह लाने हैं, फिर उसमें पौधे लगाने हैं, तो अभी इतना नहीं हो पाएगा। आप लोगों की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी इसको डेकोरेशन करने की, जैसे ही कोई आता है और मेरा इनका काम चालू अच्छा खासा हो जाता है तो मैं करूँगी। अभी तो फ़िलहाल तो यही है, सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों की पसंद से करूँगी, क्योंकि होता है ना अपनी फैमिली की पसंद से करो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ये मेरा हो गया ही, और ये खिड़की की अलमारी है जो दिक्कत आपको दिख रही है ना, और पाइप मेरे पास रखा है, वो सोच रही हूँ लगवाने की, पर इसमें कील वगैरह ठोकने के लिए ना ग्रिल चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ही आपको ग्रिल के बिना नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको मैं फटाफट से करके पर्दे दोनों घर की पर्दे अर्दे लगा के, किचन में मैंने पर्दा नहीं लगाया है क्योंकि किचन कमरे के अंदर है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि मुझे पर्दा लगानी है या नहीं। एक कमरे की पर्दा मैंने अंदर से लगाई है, एक कमरे की मैंने बाहर से लगाई है, क्योंकि कीले लगी हुई हैं उन्हीं पे मैंने लगाई है, अलग से मैंने कीले नहीं उखाड़ी हैं। तो ये लीजिए मेरी पर्दा लग गई है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं वेट करूँगी। अंशिका को जा रही हूँ मैं ट्यूशन छोड़ने के लिए, सोना का आज पहला है ट्यूशन का दिन, घर में बहुत परेशान। अभी भी जा रही हो दीदी के साथ? हटो मास्क लगा लो, लो सोन लगा, और दीदी का ये लो, तो इनको छोड़ के आते मेरे पास। अच्छा ठीक, रुको तो जा, लगा रही हूँ। उल्टा पैंट है? मैं पैंट पहने सीधा करूँगा जिसका। तो सोना का पैंट सीधा कर दिए, कहाँ जा रही हो सोना? उसको ये लगा मास्क, और भागना नहीं है ना, और दीदी का ख्याल रखना। दीदी का ख्याल रखोगी? बाबा दीदी का ध्यान रखोगी? तो चलो सोना को छोड़ के आते दोनों बहनें, चलो सोना चलो चलो, रुक जाओ मैं भी तो आ रही हूँ, गेट बंद करने दो, रुक जाओ रुक जाओ, मुझे भी तो चप्पल पहनने दो। हटो वंशिका हटो, सोना को तो आज बहुत जल्दी हो रही है, ट्राइपॉड मेरा टूट ना जाए, सोना ही तोड़ देगी। चल नीचे तक जा रही हूँ, नीचे ही है एक एक मकान दो मकान छोड़ के, चलो हटो। हाँ मैं गेट तो बंद करने दो, बाय करो सोना, बाय करो वंशिका, बाय, कहीं जा रही हूँ मैं, कल मिलूंगी, जा रही हूँ मैं, कल मिलूंगी, कहीं ओके चलो चलो, रुको मेरे हाथ पकड़ो।